नमस्कार दोस्तों, आज फास्टैग के इस फूड सेफ्टी सुपरवाइजर प्रोग्राम में मैं आपके साथ डेयरी की पूरी वैल्यू चेन डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी हम डेयरी के बारे में बात करते हैं और जब मैं प्लांट में प्रोग्राम करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोसेसिंग की टीम होती है वो मुझसे सिर्फ एक सवाल करती है। वो कहती है, सर फूड सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो हमारे डॉग के आने के बाद तो हम दूध का जितना रखरखाव कर सकते हैं, जितनी क्लीनिंग हाइजीन कर सकते हैं वो हम करते ही हैं, लेकिन हमारे से पहले भी तो किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और इसी वजह से हमने शुरू से ही फूड सेफ्टी सुपरवाइजर प्रोग्राम में पीछे से ही क्लीन मिल्क प्रोडक्शन को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की कोशिश की। तो एक बारी को जब हम वैल्यू चेन समझते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि डेयरी का पूरा बिजनेस क्रॉप टू कंज्यूमर तक है। यानी किसी जगह पर एक चारे की फसल उगती है, वो फसल एक किसान अपने जानवरों को खिलाता है और वो फसल और वो चारा खा के गायें या भैंस, उसके पास जो भी जानवर है, वो दूध देता है। उस दूध को वो किसान निकालता है, निकालने के बाद वो कलेक्शन सेंटर पे लेके जाता है। तो कलेक्शन सेंटर वो पहली जगह है जहाँ पे किसी भी कंपनी का कंट्रोल पहुँचता है। इससे पहले किसान ने अपने हिसाब से उस सारे के सारे प्रोडक्ट को हैंडल किया है और विलेज लेवल सेंटर के बाद फिर जब वो चिलिंग सेंटर पे जाता है और प्लांट पे जाता है तो वो प्लांट की जिम्मेवारी बनती है। तो हम ये पूरी डेयरी वैल्यू चेन को देखते हुए ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो जिस जगह पर किसान का चारा उग रहा है उस जगह पर पानी और जो चारे के अंदर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या केमिकल यूज हुए हैं उन सब के बारे में किसान को एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद जानवर की हेल्थ के संबंध में, और जब वो जानवर का दूध निकाल रहा है उस समय पर उन बर्तनों की सफाई, किसान की खुद की सफाई, किसान की खुद की अच्छी आदतें, एक तरीके से पर्सनल हाइजीन का पूरा प्रोटोकॉल उस किसान के ऊपर लागू हो जाता है। दो चीज़ें हम बार बार कहते हैं, पहली हर स्टेज के ऊपर सफाई का ध्यान रखा जाए और दूध को छाना जाए, और दूसरी कि जब भी आप बर्तनों की सफाई कर रहे हैं उस समय पर जितना हो सके गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो किसान के एंड पे होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसके हाथ हों चाहे उसके कपड़े हों, साथ में ये भी किसान कोशिश करे कि जिस जगह पर जानवर काफ़ी समय से बंधा है या बैठा है वहीं आसपास गोबर है, तो कोशिश करे दूध निकालने के लिए जानवर को साथ में किसी एक साफ सुथरी जगह पर ले जाए। ये बात हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि हिंदुस्तान के गंदे से गंदे फार्म पे जो जानवर, एक स्वस्थ जानवर जो दूध दे रहा है, और दुनिया के सबसे अच्छे से अच्छे फार्म पे जो एक स्वस्थ जानवर दूध दे रहा है, उन दोनों के माइक्रोबियल लोड में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। फर्क पड़ता है प्रैक्टिसेस की वजह से, फर्क पड़ता है एनवायरमेंट की वजह से। इसके बाद हम विलेज लेवल सेंटर पे आते हैं जहाँ पे जो भी एजेंट है या जो कलेक्टर है उसको इस बात की पूरी समझ होनी चाहिए कि वो चेक करे कि किस प्रकार के बर्तन में किसान दूध लेके आ रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। वो ये भी देखे उनके दूध में किसी जगह पर मक्खी, तिनका, बाल, इस तरीके की चीज़ें ना हो। जब तक वो उन्हें बार बार इसके बारे में नहीं बताएगा, किसान जो पीछे से दूध लेके आ रहा है वो इस बात को नहीं समझ पाएगा, नहीं सीख पाएगा। इसके बाद वो उस दूध को छाने, और छानने के बाद जिस बर्तन में या जिस कैन में छाना है उसको प्लांट वाले को इंश्योर करना है या चिलिंग सेंटर वाले को इंश्योर करना है कि वो अच्छी तरीके से साफ और डिसइंफेक्ट होके आया है। यहाँ से कोशिश यही होनी चाहिए, जैसा शेड्यूल 4 कहता है, कि दूध उत्पादन के 4 घंटे के अंदर अंदर इस दूध को हर हालत में किसी चिलिंग सेंटर या फिर प्रोसेसिंग प्लांट जहाँ पे चिलिंग सुविधा है वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए, ताकि दूध को इमीडिएटली 5 से नीचे 4 पे 3 पे जितना हो सके 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे इसे इमीडिएटली चिल किया जा सके। जब हम चिलिंग सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार का एक प्रावधान रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल हाइजीन लागू की जा सकती है, वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर इस तरीके की डिजाइनिंग की जा सकती है कि बाहर से मक्खी मच्छर अंदर ना आ सके, और सबसे बड़ी बात है जितने भी टैंक वगैरह हैं वो बहुत अच्छी तरीके से और लास्ट में गर्म पानी से डिसइंफेक्ट किए गए हैं।
गर्म पानी का चिलिंग सेंटर पे होना एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है यदि आप चाहते हैं कि आपकी दूध की क्वालिटी बढ़े। और इसके बाद पूरी सफाई के बाद प्लांट वालों को चाहिए कि चिलिंग सेंटर के साइलो या जो भी सफाई के लिए चीज़ें यूज़ हो रही हैं या पानी यूज़ हो रहा है उसका स्वैप और रिंस टेस्ट करें। वहाँ पे जो लोग हैं उन पे भी वही प्रोटोकॉल लगाएं पर्सनल हाइजीन के या मेडिकल के जो कि प्लांट में लगते हैं। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो प्लांट में दूध आने के बाद तो हमारा एक जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर प्रोग्राम में हमने सारे शेड्यूल 4 की चीज़ें बताई हैं वो लागू ही हो जाएंगी। लेकिन प्लांट से पहले जो करना है वो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, जितना हो सके पीछे अपने इस पूरे सिस्टम को आप कंप्लीट करें और पूरे सिस्टम को एक सपोर्टिव बनाएं ताकि फाइनली कंज्यूमर तक हम एक बहुत ही अच्छा स्वच्छ और सेफ दूध पहुंचा सकें। धन्यवाद।